लड़की एम्बिशियस है भैया, रोटी कहाँ खिलाएगी, हर बात पर राय जरूरी है, पावर का गुरूर है, वो खींचे तुझको नीचे, तू और ऊंची पतंग हो जा, ओ स्त्री चल दबंग हो जा। सोनाक्षी सिन्हा द्वारा लिखी गई ये कविता अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मैं प्रेरणा आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लोक बात में, और जो महिलाएं हमारी वीडियो से जुड़ी हुई हैं मैं उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक अलग थीम होता है, उसी तरह इस साल इस महिला दिवस का थीम है एक जेंडर इक्वालिटी पे बात करना और महिलाओं को उनके हक के प्रति जागरूक करना। तो आइए आज हम अपने समाज की कुछ ऐसी ही युवा महिलाओं से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज उनको समाज में किस तरह से देखा जा रहा है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। शिवालिका गुप्ता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार के जो महिला दिवस का थीम है वो जेंडर इक्वालिटी को लेकर है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या महिलाओं को वो इक्वालिटी दी जा रही है, समाज में वो समानता दी जा रही है जिनकी वो हकदार है? हाँ ज़रूर, मतलब अगर आप देखा जाए अलग अलग फील्ड में हर जगह विमेंस को इक्वालिटी और उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कीपिंग इन मतलब उस दिमाग में रखते हुए कि पहले मेल डोमिनेटिंग कंट्री थी इंडिया, राइट। तो अब हमें विमेंस को एम्पावरमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी अलग रिजर्वेशन दे रही है, स्कीम्स लेके आ रही है, अलग अलग चीज़ें करके उनको भी इक्वालिटी करने की कोशिश कर रही हैं। मैम तो ये आप कहना चाहती हैं कि जो महिलाओं को इक्वालिटी देने का जो है वो सरकार कर रही है, तो आप ये बताना चाहेंगी कि समाज में क्या उनको लेकर सोच बदली है, समाज की सोच बदली है? हाँ ज़रूर, अगर आप आज से कुछ 15 साल पहले देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले लोगों को, महिलाओं को स्पेशली सिर्फ घर पे रखा जाता था, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उनको काम करने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज मेन हम सब लोगों को एक वर्किंग वुमेन चाहिए, वर्किंग वुमेन उनको समझ आता है कि घर में अगर मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे हैं तो अपना इकोनॉमी और देश ज़्यादा अच्छे से तरक्की करेगा। तो ये सोच बदल रही है जो कि बहुत अच्छी है अपनी कंट्री के लिए। ये आपने देखा, ये थी हमारे युवा की सोच जो महिला दिवस को लेकर है। आइए हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो महिलाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं। सर मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। रामवीर सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाना क्यों ज़रूरी है? नहीं, मनाना तो इसलिए ज़रूरी है कि वो भी जो अब अपने फील्ड में उतर गई हैं और जो भी है जितना भी जैसा भी काम करती हैं ना अच्छा करती हैं, मतलब जो कोई भी डिपार्टमेंट है या कहीं पे उनका आना है जान आए हैं, और जिस तरीके से मतलब पहले जो है सब लड़के ही कर पाते थे लेकिन आज वो शायद है कि मेरे हिसाब से 1-2 पॉइंट उनसे भी आगे ही है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी महिलाएँ जो हैं देश की महिलाएँ वो किसी से कम नहीं है? हाँ नहीं, किसी से कम नहीं है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है कि हमारे यहाँ की महिलाएं कोई कम हो, नहीं बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छी है। तो हम जानना चाहते हैं कि जैसा कि समाज में अभी भी देखा जाता है कि महिलाओं को लेकर बहुत नीची सोच वाले भी लोग हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात, जो भी ऐसे सोच रखते हैं वो शिक्षा की अभाव है, और जहाँ शिक्षा है ऐसी भावना नहीं है। परसेंटेज अगर मान लीजिए जहाँ शिक्षा है 100 में 95% अच्छे होंगे और 5% ये होंगे, तो उस 5% को इग्नोर किया जाता है। महिला या जेंट्स भी हो, सभी समान अधिकार है। आज किसी भी क्षेत्र में देखें तो महिला का योगदान सबसे ज़्यादा है। आज हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीताराम जो भी हैं, वो सबसे आगे हैं। तो हमें इस चीज़ की भावना को दूर रहना चाहिए। हर जेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि महिला को सम्मान मिलना चाहिए, उनकी सही रास्ता मिलना चाहिए, और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस दिवस पर इनको बहुत सारे उपलब्धियां दें और इनको आगे बढ़ाने में देश योगदान करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखा आपने कि जो हमारा समाज है, आज का जो समाज है वो महिलाओं को लेकर क्या सोच रखता है। जो सरकार का ये दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को एक इक्वालिटी में जो
सरकार की तो ये जिम्मेदारी है ही कि वो महिलाओं को समान दर्जा दिलाए, नारी सशक्तिकरण के लिए काम करे, पर उसके साथ साथ समाज का भी ये दायित्व है कि महिलाओं को लेकर वो अपनी सोच को अच्छा करे। उसी के साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं प्रेरणा आनंद, कैमरामैन श्वेता सिंह के साथ कालका जी।